रेलू कट्टे के साथ जा रहे हैं। शादाब खान 6 नंबर पे हमारे पास मौजूद हैं। आई थिंक शादाब शुड हैव बीन इन द टीम टू स्टार्ट विद, ही शुड हैव बीन सिलेक्टेड। आप इन मैचेस में आप पार्ट टाइम बॉलर या पार्ट टाइम बैट्समैन से नहीं खेल सकते। बात क्या है कि आपको किसी भी शोबे में, चाहे बैटिंग का शोबा हो, चाहे बॉलिंग का शोबा हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन हो, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए बजाय इसके कि आप मिडियोकर्स के साथ जाएं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो अच्छी है, मुझे थोड़ी सी जो कंसर्न है वो आपकी बॉलिंग लाइन पे है। नई बार डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल और आज से वर्ल्ड कप का बकायदा आगाज हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप है, बड़ा इवेंट है और बड़े अरसे के बाद, बड़े गैप के बाद होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम कल इन एक्शन होगी और पहला ही तगड़ा मुकाबला भारत के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो मैच चल रहे हैं, पहला मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, और एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल जो है वो सामने आई है कि वो साउथ अफ्रीका जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा टारगेट चेज कर लिया, आज महज 118 रन जो है वो बना सकी है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस वक्त 2 आउट हो चुके हैं, स्पिनर्स का रोल बड़ा अहम चल रहा है और इसी पर बात होगी। उसके बाद जो है वो सेकेंड मैच खेला जाएगा दिफाई चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ के दरमियान और इंग्लैंड के दरमियान, वहाँ पे कौन कामयाब होगा, इन तमाम सूरतेहाल पे बात करेंगे। और ख़ासकर जो कल पाक भारत का टाकरा है और पाकिस्तान ने जो 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, वो स्क्वाड भारत का कैसे मुकाबला करेगा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद अलियास और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स हेड हैं नियो नई बात मीडिया नेटवर्क के इमरान अहमद बानी। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं, 12 रुकनी स्क्वाड का जो ऐलान हो गया अलियास साहब, क्या देखते हैं, हैदर आउट हो रहा है या आसिफ अली आउट हो रहा है जो अभी तक 12 लड़के सामने आए हैं? देखें, हैदर ही को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, उसने दोनों मैचों में परफॉर्म किया है, लेकिन क्या हैदर अली इज़ अ यंगस्टर, उसने थोड़े 3-4 मैच खेले हैं शायद 20 के, और वर्ल्ड डजंट नो मच अबाउट हिम, क्योंकि आजकल तो बड़ा ईजी है कि आप पिक्चर दे उसके वीडियो चल जाती है, आपके उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लेते हैं, आप उसके वीक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज अगर एनीथिंग टू डू विद मी, मैं हैदर अली को खिलाता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात सारी है कि आप पहले ये देखना है आपने कि आपकी 6th पोजीशन पे कौन आएगा, क्योंकि मेरी नज़रों में पोजीशन 6 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू हैव ए रियल गुड हिटर। लेकिन हम उधर जो है वो आम लफ्ज़ों में कहा जा रहा है जो कि रेलू कट्टे के साथ जा रहे हैं, शादाब खान 6 नंबर पे हमारे पास मौजूद हैं, क्या लगता है, क्योंकि दीगर हम जितनी भी टीमें देखें उसमें लेग स्पिनर का रोल बड़ा अहम है, शादाब उस तरह से बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे? मैंने कल भी एक TV पे बैठ के यही बात हो रही थी जो आप भी कर, आई थिंक शादाब शुड हैव बीन इन द टीम टू स्टार्ट विद, ही शुड हैव बीन सिलेक्टेड। कादर का बेटा जो है अब्दुल कादर का बेटा, आई थिंक ही इज गॉट एवरीथिंग टू ऑफर, ओके ही कांट बैट, लेकिन इज द जेन्युइन स्पिनर। आप इन मैचेस में आप पार्ट टाइम बॉलर या पार्ट टाइम बैट्समैन से नहीं खेल सकते, आपको जेन्युइन प्लेयर खिलाने पड़ेंगे। अगर आप जेन्युइन प्लेयर खिलाएंगे तो हार जीत होती है, 20-20 इज वन ऑफ दोज गेम, आप कुछ भी नहीं कह सकते कौन जीतेगा, जिस दिन जिसका बल्ला चल पड़ा वो परफॉर्म कर जाएगा। ये एक फनी गेम है, आई कॉल इट इन पंजाबी गुल्ली डंडा, जिसके हाथ लगेगा वो चल जाएगा। जब मैं चीफ सेलेक्टर था अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखें हमारी टीम 6-5 से ज़्यादा बैट्समैन नहीं होते थे, हम जेन्युइन बैट्समैन होते थे और नंबर 2 तक हम पहुँच गए थे इन द वर्ल्ड, उसके बाद फिर नंबर 1 भी हो गए मेरे जाने के बाद, 1 पॉइंट बिहाइंड इंडिया थे। तो आप यू हैव टू हैव ए जेन्युइन प्लेयर, जो यू दी बैट्समैन एंड दी बॉलर, आप इन बिटवीन नहीं खिलाते, एक आध गुड ऑलराउंडर आप खिलाते हैं, वेदर इज ए बैट्समैन ऑलराउंडर और ए बॉलर ऑलराउंडर, तो आपके वो 2 ओवर कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर जगह पे होता तो मैं
कादर को खेला था। मानी भाई आप बताइएगा, जो लिया साहब बात कर रहे हैं, आप भी समझते हैं शादाब खान, क्योंकि जब भी हम सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि शादाब खान वो है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में जितवाया था, तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो उसने अपनी बॉलिंग के साथ जो है वो जितवाया था, तो अब क्योंकि उसका बतौर बैट्समैन भी उसको टीम में शामिल कर रहे हैं, तो जो कल जो अभी तक प्लेइंग 11 हमारे सामने आई है, क्या शादाब के 4 ओवर्स और उस्मान कादर के 4 ओवर्स थोड़ा डिफरेंस नहीं हो जाएगा? अरसलान बात वही जिस तरह इलियास साहब ने बात की कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ऑलराउंडर की डेफिनेशन आपके यहाँ पिछले चंद साल में चेंज हो गई है। पहले कहा जाता था कि ऑलराउंडर वो है जो बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके, अब हमारे यहाँ डेफिनेशन ये हो गई है या बॉलिंग कर ले या बैटिंग कर ले। हालांकि ऑलराउंडर ये नहीं होता, ऑलराउंडर की जॉब जो होती है बैटिंग करना भी होती है, बॉलिंग भी करना भी होती है, यानी एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो होता है। हम शादाब को मुसलसल खिला रहे हैं एज ऑलराउंडर, ना वो बैटिंग में पूरी तरह डिलीवर करके दे रहे हैं ना वो बॉलिंग में डिलीवर कर पा रहे हैं, समझ से बाहर है। और जिस तरह आपने बात की उस्मान कादिर की, तो उस्मान इस वक्त अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं, आप बॉलिंग की क्लास भी देख सकते हैं, रिसेंटली जितने स्पिनर्स आए हैं, चाहे जाहिद महमूद को ले लें, उस्मान को ले लें या नौमान आए, 3-4 स्पिनर साजिद खान, मतलब बैक टू बैक काफ़ी सारे स्पिनर्स आए, इन सब ने जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया खास तौर पे वाइट बॉल क्रिकेट में, वो उस्मान कादिर ने इंप्रेस किया। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जितनी इंटरनेशनल टीम इस वक्त कम्पीट कर रही है, सब में आपको लेग स्पिनर नजर आएंगे, सिर्फ आपको जैम्पा नजर आ रहे हैं या न्यूजीलैंड के पास भी आप देख लें, दीगर टीमों के पास देख लें, सबके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है। बात क्या है कि आपको किसी भी शोबे में, चाहे बैटिंग का शोबा हो, चाहे बॉलिंग का शोबा हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन हो, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए बजाय इसके कि आप मिडियोकर्स के साथ जाएं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम लोग एक आदमी की बुनियाद पे या हिस्ट्री की बुनियाद पे जो है हम कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद पे खिलाने हैं, फिर फहीम अशरफ को भी आप ले जाते हैं, फिर बहुत सारे प्लेयर हैं आप उनको खिला लेते हैं, मतलब अगर आप सरफराज अहमद भी मौजूद है, चलिए सरफराज फिर भी स्क्वाड में मौजूद है, लेकिन क्या है सरफराज की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है वो पाकिस्तान के कैप्टन रहे, अच्छा उन्होंने सर्व किया, लेकिन इस वक्त जो एक प्लेइंग 11 का एक बन रहा है उसमें नहीं वो एडजस्ट हो पा रहे। तो आपको बात वही है कि आपको जहां भी होता है किसी भी शोबे में स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए बजाय इसके कि आप जो है किसी एक सर्टेन इनिंग की बुनियाद पे या उसकी हिस्ट्री को देखते हुए आप लेकर जाए। यूं तो फिर आप ठीक है, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं आपके, वो उनको आप लेके चले जाए, हिस्ट्री की बुनियाद पे अगर आपने खिलाने तो ठीक है। आप ले सब हम टीम में देख रहे हैं, हफीज भी हैं, शुएब मलिक भी होंगे, क्या कल दोनों आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर खेलते हुए नजर आ रहे हैं दोनों का रोल उस तरह से वो प्ले कर पाएंगे जिस तरह से हफीज ने रिसेंट टाइम में पिछले साल तो बैटिंग में परफॉर्म किया, इस दफा बॉलिंग में वो काफी कर रहे हैं, शुएब मलिक को जिस तरह वापस लेके आए हैं, शुएब मलिक का रोल कितना अहम होगा कल के मैच में? देखिए पहले जो बात हो रही शादाब की, अगर आप देखें कि मोस्टली ही बीन अनफिट, अगर एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है एज जो बैट्समैन आज यूज टू आल्सो बॉल लाइक गूगली, जब आपकी अनफिट हो जाते हैं आप, आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो जब लेग स्पिनर का जो काम है उसका हाथ ऊपर से आता है, यहाँ से नहीं आता, जब किसी भी ऑफ स्पिनर का भी चल जाता है कि उसका वो यहाँ से गेंद बाहर निकल जाता है, तो जब आपका हाथ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आ जाएगा इसमें यू गॉट अ प्रॉब्लम, एंड प्लस यू विल नॉट गेट ए स्पिन एंड अ बाइट, बॉल में बाइट भी नहीं होगी और स्पिन भी नहीं होगी, ओके थोड़ा सा स्पिन होगा उन्हें स्पिन विकेट पे जो यूई में हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसकी ये चीज़ भी है कि उसमें वो बाइट नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले, बाकी यू खान कह सकते हैं जी मैं आपको खिलाता हूँ क्योंकि आपने आज से 4 साल पहले एक मैच जिताया था, यू कांट गो ऑन दैट, यू गो टू सी रीसेंट परफॉर्मेंस, ठीक है आप इस वक्त हफीज है मलिक है ये ओल्ड पर, लेकिन दे आर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते आए हैं, हाँ ठीक है फेज के पर एक दो चार मैच अच्छे नहीं गए इन द पास्ट, तो बट यू कैन अस्यूम के ही कैन परफॉर्म, उप गेंदे भी कर लेते दो मलिक और फेज कर लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, आपके आल राउंडर दो कर लेंगे, आपके पास जनवर लेग स्पिन नहीं है, आप पता नहीं, मैंने टीम तो नहीं अभी देखी कि आपने क्या कोई जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर डाला, अहमद वसीम आ रहा है, अहमद वसीम हाँ वो होगा, हाँ ही कैन हिट द बॉल, तो प्रॉब्लम सर ये है कि आपको यू हैव टू असेस, अब कल पता चलेगा कि मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, ठीक है उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 ओवरों में 20 रन हुए हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जब आपने 180+ किया है अपोजिशन साउथ अफ्रीका ने किया था आपके खिलाफ,
तो जब ओपनिंग बैट्समैन आएंगे, मी बीइंग माय सेल्फ बीइंग ओपनिंग बैट्समैन, तो मैं तो जाके मार डाल करूँगा। तो अगर दो ओवरों में आपको 20 हो गया तो कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। आप ये आप अपनी टीम बना रहे हैं, आपने उसको दो ओवर दिए हैं बस, इसका मतलब फ्रॉम दैट वन दैट मोमेंट ही वॉज नॉट इन द टीम, ही वॉज नॉट गोइंग टू प्ले। तो उसको चाहिए था कि 8 ओवर 18 एंड 20 ओवर दे देते, वसीम को देते। तो लास्ट ओवर में फिर भी आप हसन ले 19 रन दिए। तो ये देखे ना, यही तो थोड़ी सी वहाँ की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था कि यू कांट प्रेस आजम, अपने बाबर आजम को वहाँ ब्लेम नहीं करेंगे, यू हैव टू गो इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड। तो ये मेरा ख्याल है। बाकी आपने बात की शुएब मलिक की, मेरा ख्याल है कि इन दोनों को खेलना चाहिए, खेलेंगे भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो अच्छी है, मुझे थोड़ी सी जो कंसर्न है वो आपकी बॉलिंग लाइन पे है। ठीक है, अफरीदी अच्छी गेंदें करता है, लेकिन ऑन द डे अगर इंडिया बैटिंग कर लेता है तो 160-160 लगा देता है। पर मेरा ख्याल है कि इट विल बी स्ट्रगल फॉर हु, पाकिस्तान 160-170 करता है ना, तो इट विल बी स्ट्रगल फॉर इंडिया टू। तो यू कॉन्ट कंपेयर कि जी कौन जीत, कौन से एक कौन जीतेगा। 2020 में आप देखें, कल नामीबिया जीत गई है आयरलैंड से, उनका नेशनल स्टेटस है, टेस्ट क्रिकेट है, इंटरनेशनल टीम है वो, तो वो कल 45-46 में आउट हो गए हैं। सो ये 2020 इज ए वेरी फनी गेम। मानी भाई, आज के अगर मैच की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया को उस तरह से फेवरेट माना नहीं जा रहा था, और साउथ अफ्रीका हमेशा अगले मरहले में जाके कहीं चौक करता है, तो आज तो पहले मैच में चौक कर गए। अगर आपने आज के मैच की विकेट देखी हो तो वो कहीं से भी T20 की आइडियल विकेट नहीं लग रही। आपने देखा होगा कि विकेट के ऊपर काफ़ी ग्रासी विकेट थी आज, जो कि आप अगर T20 के नॉर्म्स देखते हैं तो T20 क्रिकेट में अमूमन ऐसा होता नहीं है, स्पेशली UAE की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर बैटिंग पैराडाइज होता है, या फ्लैट, जिसे आप फ्लैट ट्रैक कहते हैं, इस तरह के ट्रैक्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जो है उनके सामने मामला आ गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन को, उन्होंने बहुत अच्छा कंटेन किया। एक खास चीज़ जो नजर आई कि ज़्यादातर फोकस किया विकेट टू विकेट बॉल किया। जब आप विकेट टू विकेट बॉल करते हैं आपको ऑब्वियसली, और खासतौर पर T20 क्रिकेट में, क्योंकि T20 क्रिकेट में बैट्समैन एक टाइम पे चार्ज करने के लिए जाता है, जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, उससे स्कोर नहीं होता, वो चार्ज, तो वहां पे आपके पास मार्जिन होता है कि आपको विकेट्स मिलती हैं। तो रेगुलर इंटरवल्स में ऑस्ट्रेलिया को विकेट मिली, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा कंटेन किया। पाकिस्तान इंडिया, सॉरी पाकिस्तान या इंडिया, दिस विल बी, देखें आप 22 में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक मैच अच्छा होना चाहिए। देखें आप पाकिस्तान के बड़े तगड़े मैच हैं तीन, हमें अगर हम जीत जाते हैं प्रेशर ऑफ थोड़ा सा, क्योंकि हर ग्रुप से दो टीमों ने आकर जाना है, जब एग्जैक्टली फोर टीम जाएंगी सेमीफाइनल एंड फाइनल। देखें पाकिस्तान का पहला मैच, आई थॉट इट वाज बिट अनफेयर, पहला मैच इंडिया से, दूसरा मैच न्यूजीलैंड से, तीसरा मैच अफगानिस्तान से। तो मैं एक भी इससे कैसे एक आध दो मैच ऐसा मिल जाता कि मैं और प्रैक्टिस मिल जाती या दूसरा मैच ही मिल जाता। तो बहुत सारे अब ये है कि यू हैव टू लुक एट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इंडियन ने पूरा वहाँ पे लीग खेल लिया अभी IPL, उनके प्लेयर दे आर इन गुड टच, उनकी बॉलिंग लाइन भी अच्छी है। जो मुझे लग रहा है ना कि कहीं, क्योंकि दिस इज इनका इंडिया का ये टूर्नामेंट है, दो इज 2020 बट देयर वाज सपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, तो मुझे ये रहा कि ये कहीं ऐसा ना करें कि विकेट थोड़ी सी स्पिन बना लें, उनके पास स्पिन रहे और गेंद थोड़ा सा आराम से आए, क्योंकि उनकी बैटिंग लंबी है और ऑल राउंडर भी उनमें है, तो ये मुझे फिक्र है, वरना पाकिस्तान हैव ए वेरी गुड चांस टू विन। पाकिस्तान अच्छा चांस है पाकिस्तान के लिए, और यहाँ से प्रेडिक्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए आ चुकी है, और मेरी प्रेडिक्शन जो है वो भी मेरे ख्याल में टॉस के साथ जाऊँगा, जो टीम टॉस जीतेगी शायद मैच वही जीतेगी, लेकिन देखना ये है कि कल क्या होगा। पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड जो है वो बेहतर बनाने में कामयाब होता है, या भारत एक बार फिर से वही रिकॉर्ड लेके चलता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से आज तक जो है वो नहीं हारे। कल क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में नई बात डिजिटल के साथ जुड़े रहिएगा, हर मैच के ऊपर आपको प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस जो हैं वो इसी तरह मिलते रहेंगे। कल की प्रेडिक्शन हम सब की पाकिस्तान है,
देखते हैं अब क्या होता है। खुदा हाफिज़।